सो मीरे ने मित्सुओ को अपनी लाइफ में दोबारा से आने के लिए प्रपोज किया, लेकिन मित्सुओ अच्छी तरह जानता था कि अगर इस बार वो दोनों अलग हुए तो इस पेन को ना ही सुमीरे फील कर पाएगी और ना ही वो। इसलिए अपना और सुमीरे दोनों का ध्यान रखते हुए मित्सुओ ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सुमीरे को मित्सुओ से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मित्सुओ अपने स्टैंड को लेकर पूरी तरह क्लियर था। ट्रॉय और यूकी ने भी मित्सुओ को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की, मगर मित्सुओ बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रॉय, यूकी और सुमीरे पुलिस स्टेशन जाके बाकी की फॉर्मेलिटीज को कम्प्लीट कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर यूकी और ट्रॉय के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ट्रॉय सुमीरे को लेकर घर के लिए चले जाता है और यूकी सिटी ब्रिज की तरफ चले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। मित्सुओ भी आज हुए पूरे इंसिडेंट की वजह से पूरी तरह टूट चुका था और उसी सेम फ्रेम में हम यूकी को देखते हैं। वो ब्रिज के ऊपर खड़े होकर रिवर की तरफ देख रही थी कि तभी उसे पीछे से कबाव शेक करता है। वो घबराते हुए पीछे मुड़ती है। पहले तो वो कबाव को नहीं पहचान पाती, पर बाद में वो दोनों एक पार्क में जाकर काफी लंबी कन्वर्सेशन करते हैं। अपनी बातें खत्म करने के बाद कबाव यूकी से कहता है, यूकी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, आई होप कि हम दोबारा मिल सके। यूकी बोलती है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहते हुए वो वहां से कबाव को बाय बोलकर चले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमीरे को देखते हैं। सुमीरे अपने बेड के कॉर्नर पर बैठी हुई थी और काफी लंबे टाइम से किसी चीज के बारे में काफी गहराई से सोच रही थी कि तभी ट्रॉय साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, सुमीरे आर यू ओके, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। सुमीरे कहती है, मैं ठीक हूँ ट्रॉय, बस मैं आज जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ उसी के बारे में सोच रही हूँ। ट्रॉय बोलता है, सुमीरे प्लीज गुस्सा मत करना, पर मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार मित्सुओ से बात कर लेनी चाहिए। सुमीरे कहती है, ट्रॉय मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी काफी चिंता है और तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये चीज तुम्हारे फेवर में नहीं है और ना ही मेरे। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो करना हम दोनों के ही फेवर में नहीं है। मुझे लगता है मित्सुओ से बात करके हम बस इस मैटर को और इंटेंस कर देंगे, इसलिए हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ट्रॉय बोलता है, सुमीरे पर क्या तुम मित्सुओ के बिना रह पाओगी। सुमीरे एक लंबी सी सांस लेते हुए जवाब देती है, तुम क्या सोचते हो ट्रॉय। ट्रॉय कहता है, आई एम श्योर कि तुम मित्सुओ के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सुमीरे बोलती है, यू आर राइट। ट्रॉय कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुमीरे, एक बार जाकर मित्सुओ से बात कर लो। साइलेंस हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। सुमीरे कहती है, ट्रॉय मैं इस बात को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरे और मित्सुओ के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए इतने एफर्ट दिखा रहे हो, पर मैंने सोच लिया है मैं अपने साइड से जाकर मित्सुओ से बात नहीं करने वाली, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ट्रॉय गुस्सा करते हुए जवाब देता है, ना तुम मानने के लिए तैयार हो और ना ही मित्सुओ, बताओ हम करें तो करें क्या। ट्रॉय की बात सुनकर सुमीरे कहती है, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकते हो, बताओ करना चाहोगे। ट्रॉय बोलता है, क्या बताओ मुझे, अगर उससे तुम्हारे और मित्सुओ के बीच में सब ठीक हो सकता है तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। सुमीरे कहती है, इससे मित्सुओ का कोई रिलेशन नहीं है, ये मेरी खुशी के लिए है, बताओ करना चाहोगे या फिर नहीं। ट्रॉय कहता है, सुमीरे तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। सुमीरे बोलती है, विल यू मैरी मी। ट्रॉय बोलता है, क्या कहा तुमने। सुमीरे फिर से रिपीट करते हुए कहती है, विल यू मैरी मी ट्रॉय। ट्रॉय बोलता है, मुझे माफ करना सुमीरे, मैं ये नहीं कर सकता। सुमीरे कहती है, पर क्यों। ट्रॉय बोलता है, सुमीरे मैं एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ पर लाइफ पार्टनर नहीं, इसलिए आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सुमीरे कहती है, तुम एक अच्छे दोस्त हो और लाइफ पार्टनर भी बन सकते हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी ट्रॉय, मैंने सोच लिया है। तुम यही कहते हो ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। ट्रॉय कहता है, सुमीरे समझने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। सुमीरे बोलती है, पर क्यों नहीं हो सकता ट्रॉय, तुम मुझसे प्यार करते हो। राइट, तुमने अपनी लाइफ के 9 साल ये कहते हुए गुजारे हैं, आई लव यू सुमीरे, प्लीज मेरी हो जाओ, और आज जब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ, तो तुम मना कर रहे हो, इस बात का कोई सेंस नहीं है ट्रॉय। ट्रॉय बोलता है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है सुमीरे, एक बार सोच कर देखो, अगर तुमने मेरे साथ शादी कर ली तो मित्सुओ के ऊपर क्या बीतेगी। सुमीरे कहती है, मित्सुओ ने मुझे अपनी लाइफ से खुद ही बाहर निकाला है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के भी साथ रहूं। प्लीज ट्रॉय ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम सभी के फेवर में यही रहेगा कि हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। ट्रॉय कहता है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। सुमीरे, तुम्हें अभी भी सोचने के लिए टाइम चाहिए, पर क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ट्रॉय बोलता है, आई रियली लव यू सुमीरे, बट मैं इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे नहीं ले सकता। सुमीरे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का टाइम देती हूँ, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगी, और अगर मैं आंसर नहीं दे पाया तो। सुमीरे कहती है, तो तुम भूल जाना तुम्हारी कोई सुमीरे नाम की दोस्त भी थी। इतना कहते हुए सुमीरे अपने रूम से बाहर चले जाती है।
सुमीरे की डिमांड सुनकर ट्रॉय काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था। वो अपना फोन उठा के यूकी को कॉल करता है। यूकी भी एक ही बारी में ट्रॉय का फोन पिक कर लेती है और कहती है, क्या हुआ ट्रॉय? ट्रॉय बोलता है, यूकी मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। यूकी कहती है, अच्छा एक काम करो, वेस्कर गार्डन आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। ट्रॉय कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा वेट करो। और ट्रॉय कॉल कट करके अपनी कार में बैठकर वेस्कर गार्डन के लिए निकल जाता है। वो विद इन हाफ एन आवर वेस्कर गार्डन के आगे अपनी कार पार्क कर देता है और टिकट लेते हुए अंदर चले जाता है। यूकी बिल्कुल फ्रंट वाले बेंच पर बैठी हुई थी। ट्रॉय की सीधी नज़र यूकी पर पड़ती है, वो जाके उसके पास बैठता है। यूकी ट्रॉय को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ ट्रॉय, बताओ मुझे। ट्रॉय बोलता है, वही जो नहीं होना चाहिए था। यूकी कहती है, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो, हुआ क्या है? ट्रॉय कहता है, यूकी सुमीरे ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। यूकी बोलती है, क्या, क्यों, किस लिए? लगता है इस बार भी सुमीरे ने गुस्से में कह दिया होगा, प्लीज कहो ना, यही बात है। ट्रॉय बोलता है, नहीं सुमीरे ने इस बार कुछ भी गुस्से में नहीं कहा है, उसने मुझे आंसर देने के लिए शाम तक का टाइम दिया है। यूकी बोलती है, क्या तुम उसे हाँ करने वाले हो? ट्रॉय कहता है, मैं नहीं जानता। ये सुनते ही यूकी फ्रीज हो जाती है। ट्रॉय कहता है, क्या हुआ यूकी, कुछ तो बोलो। यूकी कुछ नहीं कह पा रही थी। ट्रॉय फिर से कहता है, यूकी मैं तुमसे कह रहा हूँ, जवाब दो। यूकी बोलती है, अब कहने के लिए बचा ही क्या है, तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। ट्रॉय कहता है, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझे सही गलत के लिए राय दो, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ ट्रॉय, तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं। मेरी तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है पर राइट नहीं, तुम जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी, पर एक बार अपने करीबी लोगों के बारे में सोच लेना कि तुम्हारे इस स्टेप से उनके ऊपर क्या बीत सकती है। ट्रॉय कहता है, यूकी तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूकी बोलती है, कभी कभी शॉर्ट आंसर्स भी ज़्यादा बातें समझा देते हैं, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेरी बातों को कैसे समझते हो। ट्रॉय बोलता है, देखो अभी इन सभी बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सुमीरे ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो मित्सुओ से सामने से आकर बात नहीं करने वाली है, इसलिए प्लीज मित्सुओ को जाकर समझाओ कि वो सुमीरे से बात करे, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूकी बोलती है, ठीक है मैं मित्सुओ के पास जाकर बात करूंगी कि वो सुमीरे को मना ले। ट्रॉय कहता है, अगर तुम इतना करने में भी सक्सेस हुई तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। यूकी कहती है, हाँ क्यों नहीं। ट्रॉय यूकी को हक करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है यूकी, तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हो, अभी तुम अपने घर जाकर रेस्ट करो, एक काम करना दिन में जाके मित्सुओ से बात करना, अभी वो भी रेस्ट कर रहा होगा, क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए, अब मैं चलता हूँ बाय। इतना कहते हुए ट्रॉय वहाँ से चला जाता है। ट्रॉय को जाता देख यूकी कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ट्रॉय कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो। किता भी ट्रॉय पीछे मुड़ते हुए कहता है, और ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम अकेली हो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बिना किसी टेंशन के कॉल कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ट्रॉय अपनी बात कंप्लीट करके एक हल्की सी मुस्कान देते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। यूकी कहती है, लगता है गॉड भी चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहे ट्रॉय, अब मित्सुओ के ऊपर ही मेरे प्यार की हार या जीत डिपेंड करती है। इतना कहते हुए यूकी भी वेस्कर गार्डन से बाहर निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमीरे को देखते हैं। वो अपनी बालकनी पे खड़े होकर अपने ओल्ड डेज के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो पहले के टाइम में इसी बालकनी से परमैन की जॉब करते हुए एंटर करती थी। सुमीरे हल्की सी आवाज़ में कहती है, वो दिन भी क्या दिन थे, नो टेंशन एंड फुल मस्ती, काश वो वापस आ पाते। इतना कहते हुए सुमीरे अपने रूम में चले जाती है। आफ्टर 5 आवर्स हम देखते हैं यूकी अब तक रेस्ट करके रेडी हो चुकी थी। ट्रॉय यूकी को कॉल करते हुए कहता है, यूकी मैं सुमीरे को लेके बाहर जा रहा हूँ, तुम मित्सुओ से बात कर लो और मेरी दी हुई लोकेशन पे उसे लेके आ जाना। यूकी आंसर देती है, अच्छा ठीक है। इतना कहते हुए वो अपने वर्क के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं यूकी मित्सुओ के घर पहुँच कर गेट पर नॉकिंग करने लगती है। मित्सुओ बाहर जाके बोलता है, क्या हुआ यूकी, इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूकी बोलती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मित्सुओ कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो दोनों अंदर जाके सोफे पर बैठते हैं। मित्सुओ कहता है, अगर तुम यहाँ सुमीरे के बारे में बात करने के लिए आई हो तो मैं पहले ही कह दूँ कि मैं उसके रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता।
युकी कहती है, एक बार मेरी बात तो सुन लो मित्सुओ, अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो तुम यहाँ से मुझे बाहर निकाल देना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मित्सुओ कहता है, हाँ बोलो। युकी अपनी बातें शुरू करती है। मित्सुओ बड़े ध्यान से युकी की बातें सुन रहा होता है और अपनी बातें कंप्लीट करने के बाद युकी बोलती है, अब तुम समझे असली रीज़न क्या था। मित्सुओ कहता है, लेकिन फिर भी मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। युकी कहती है, तुम बस एक बार मेरे साथ चल के सुमिरे से मिल लो। मित्सुओ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बार सुमिरे से मिलूंगा, मैं रेडी होकर आता हूँ। और मित्सुओ जल्दी से रेडी होकर युकी के पास जाकर बोलता है, चलो चले। युकी एक टैक्सी बुक करती है और ट्रॉय की दी हुई लोकेशन ड्राइवर को दिखाते हुए कहती है, हमें यहाँ पर जाना है। ड्राइवर कहता है, हाँ क्यों नहीं, और वो उन्हें उनकी लोकेशन पर छोड़ देता है। युकी और मित्सुओ अंदर जाते हैं। सुमिर और ट्रॉय पहले से ही वहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। सुमिरे मित्सुओ को देखकर कहती है, आ गए तुम। मित्सुओ कहता है, हाँ आ गया मैं। कि तभी ट्रॉय उनकी बात को काटते हुए कहता है, अभी तुम दोनों ये बात छोड़ो, मैं और युकी तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। मित्सुओ और सुमिरे काफ़ी क्यूरियसली कहते हैं, कैसा सीक्रेट। वो उनसे कहते हैं, अपनी आँखें बंद करो और 5 की गिनती पर खोल लेना। सुमिरे और मित्सुओ अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। ट्रॉय गिनती स्टार्ट करता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, अपनी आंखें खोलो। और जैसे ही सुमिर एंड मित्सुओ अपने आंखें खोलते हैं, उन दोनों के सामने युकी और ट्रॉय घुटनों पर बैठे हुए थे और युकी मित्सुओ को और ट्रॉय सुमिरे को प्रपोज कर रहा था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका पता तो हमें हमारी सीरीज के आने वाले एंडिंग पार्ट में ही पता लगेगा। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो यार ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और यार मैं जानता हूँ आजकल वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, तो उसके पीछे 2 रीज़न है, एक तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और ऊपर से मैं ट्रैवल कर रहा था। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो मेरे मेन चैनल और मेरे सेकंड चैनल के ऊपर आपको बराबर वीडियोस मिलेंगी। तो यार अगर आप चाहते हो तो जाकर मेरे सेकंड चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल में डी ए हार्टेड। सायोनारा।